हाँ बेटा बेटा, तो पूरा सन बता रहा है, चलो ये क्वेश्चन ठीक है, वेरी गुड, आ गया जाए आप, आ जाए सर से पुरस्कार ले, नाम बता दे आप अपना, नीरज रजक, और उसी से दिखाई देंगे। और ये कैसे रहते हैं, क्या हमारे जैसे ईंट कंक्रीट पत्थरों के मकान में रहते हैं क्या? नहीं नहीं रहते। ये कहाँ रहते हैं? खुले आसमान के नीचे, जमीन में खुले आसमान के नीचे आनंद के साथ रहते हैं। तो इनके आनंद को, इनके घर को, इनके हैबिटेट को, इनके रहवास को
कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कूदते हैं, किस प्रकार से इनकी कार्य शैली है, किस प्रकार से इनकी जीवन शैली है, इनको समझने के लिए हमें प्रकृति के पथ पे ट्रेल पे 2 से 3 किलोमीटर हमें चलना है। जब हम 2 से 3 किलोमीटर जंगल में प्रकृति पथ में चलेंगे तब हम इनके रहवास को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। और आपको क्या करना है, फील करना है, अनुभूति करना है इनके रहवास को, इनके नेचर को, ताकि हम समझ पाएं कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं और इनका जीवन किस प्रकार से है और हम इनके जीवन से हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है। ये संरक्षित रहेंगे, ये अच्छे रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे तो हम भी विकसित होंगे, हमारा जंगल भी विकसित होगा, फलेगा फूलेगा और हमारे जंगल में अनेक प्रकार के वन्य जीव प्राणी हमें नजर आएंगे तो हमारा जंगल क्या होगा, खुशहाल जंगल। क्या होगा जब सारे, जब हमारे परिवार में दादा दादी नाना नानी छोटे छोटे बच्चे सब रहते हैं ना तो खुशहाल परिवार कहलाता है ना, उसी प्रकार से जंगल भी खुशहाल जंगल कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए साइड का भी रुक जाओ, वहाँ पे उसको निकल जाए। वेलकम गेट क्या है ये? अभी जो मैंने आपको प्रकृति पथ के बारे में बताई बच्चों, तो आपने ध्यान से सुने समझे ना आपने, है ना। हम अब जब ट्रेल पे चलते जाएंगे जो भी हम मास्टर ट्रेनर के द्वारा हमारे वन विभाग के श्रमिक पाए जाते हैं, श्रमिक का क्या काम होता है, गड्ढा खोदने का काम होता है तथा खतरा आने पे क्या करते हैं, वो कॉलोनी में कंपन करते हैं अपने सिर से, सिर को इस कॉलोनी के अंदर की दीवालों से टकराते हैं तो कंपन उत्पन्न होती है और जब कंपन उत्पन्न होती है तो राजा रानी दीमक को पता चल जाता है। तो क्या करते हैं ये, एक तो पहले मिट्टी इकट्ठा करते हैं और खतरा आने पर संकेत देते हैं राजा रानी को, चेतावनी देते हैं। राजा रानी उड़ने में सक्षम होते हैं और वो नई कॉलोनी बनाते रहते हैं, ठीक है ना। और दिखाई देगा किस प्रकार का गाला है, जॉइंट फ्रूट स्पाइडर, एक तो ये है और एक यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, कौन सा ये दिख रहा है ना, ये कुछ फनल के आकार का दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फनल स्पाइडर, क्या बोलते हैं, चाड़ी, आप जानते हो ना, हाँ चाड़ी, चाड़ी आप मट्टी तेल डालने के लिए गांव में यूज करते कि नहीं करते चाड़ी का। तो बच्चों संपूर्ण विश्व में 45,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं मकड़ी की, है ना। और देखो ये दिख रहा है फनल के आकार का और ये क्या है, ज्वाइंट वुड स्पाइडर, दो प्रकार की स्पाइडर हमें यहाँ पे दिखाई दी, जाला सुनाई दे रहा है, आप लोग सुनो, यस तो बोले, नोट बाद में कर लेना, पहले ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा, फिर आप चलते समय कर लेना। तो एक है ज्वाइंट वुड स्पाइडर और मकड़ी अपना जाला 1 घंटे में तैयार कर लेती है, और कैसे करती है, उसके शरीर से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते रहता है तो उस चिपचिपे पदार्थ से ही वो जाले का निर्माण करती है, ठीक है ना। और इसका जो जाला है बहुत ही, सुनो पहले, कोई बात नहीं करेगा, पहले ध्यान से सुनो, जब ये जो मछली के शरीर से पेट से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते रहता है, उस तरल पदार्थ से वो इतना पतला होता है रेशेदार कि वो जाले बुन लेती है और 1 घंटे में ही वो मकड़ी जाले का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। और विश्व में कितनी प्रजाति पाई जाती है मकड़ी, 45,000, कुछ जहरीली होती है, कुछ जहरीली नहीं होती, कुछ कीड़े खाती हैं और कुछ शाकाहारी भी रहती, कीड़े नहीं खाती हैं, ठीक है ना। और ये जो हम दिखा देख रहे हैं ये फनल स्पाइडर, कौन सा स्पाइडर है, इसकी बात नहीं करी, जो पेड़ के नीचे है वो फनल स्पाइडर, उसका आकार क्या है, फनल के आकार का है, चाड़ी के आकार का है। और ये पेड़ के नीचे ही क्यों है ये बताओ जरा, अक्सर आप यहाँ के जंगल में आप देखेंगे कि मकड़ी ने जाला कहाँ बनाई है, देखो एक वहाँ पे भी बना हुआ है, पेड़ के नीचे बनाए, कहाँ बना है, पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे क्यों बनाई है आप जानते हैं, प्रकृति में सब एक दूसरे का मतलब भोजन भी है, है ना। मकड़ी जब यहाँ पे जाला बनाई है ना, पेड़ के नीचे का जो जाला है, तो इससे क्या, पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे कीट पतंगे छोटे छोटे जीव इंसेक्ट है ना, वो जब चलते हैं ऊपर पेड़ पे चढ़ते हैं
तो कई अक्सर वो क्या करते हैं, गिरते भी रहते हैं, चढ़ते हैं गिरते, तो वो मकड़ी के जाले में ही गिर जाते हैं। तो मकड़ी को अपनी जगह में बैठे बैठे ही भोजन मिल जाता है, किसी पास तो इसका भोजन भी मिल जाता है। ये फनल के आकार का है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मकड़ी के जाले में कीड़े फंस जाते हैं, परंतु मकड़ी अपने जाले में कभी नहीं फंसती, ऐसा आप सोचते हैं ना, क्योंकि मकड़ी जब जाले बुनती है तो एक 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 जगह को एक रेशे को छोड़ते जाती है, और उसको पता मालूम रहता है कि सभी जो जितने भी रेशे ना चिपचिपे पदार्थ में से एक रेशा ऐसा छोड़ते जाती है नहीं रहता, और वो उसी में पैरते हुए आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट आ गया कि देखो हमारे घरों में भी मकड़ी का जाला रहता है कि नहीं रहता, मकड़ी का अपना एक भोजन होता है। तो हमारे घरों में जो वातावरण में बारीक इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते है ना, वो जाले बनाती है, तो उसके जालों में वो छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं जो हमारे सांस के। मैदानी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है ना? और घास इसका प्रिय भोजन कौन सा वाला? छोटी घास है ना। दूसरी चीज ये है कि ये एक समूह में रहता है, नर समूह में रहेगा ज्यादा, मादा समूह का एक अलग समूह बन जाता है जिसमें एक ही मतलब नर ज्यादा रहता है, बाकी ये समूह में अपना नर के समूह। जब इनका मतलब बच्चों की संख्या बढ़ाना हो तभी मतलब इस पूरे समूह में आते हैं। दूसरी चीज ये जंगल में, जिस जंगल में है वो जंगल को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, रीच यानी अच्छे क्वालिटी का जंगल। जहाँ अच्छे क्वालिटी के जंगल होगा वहीं पर ये निवास करेगा, क्योंकि ये अच्छे जंगल में निवास करेगा तब टाइगर अच्छे जंगल में निवास करेगा। तो टाइगर का मुख्य भोजन क्या है? नीलगाय, हिरण है ना। तो जब ये रहेंगे तो वो रहेगा, अब यही नहीं रहेंगे तो वो काहे को रहेगा, नहीं रहेगा है ना। ये सबसे बड़ा जानवर गट प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आप ऐसे बीच से जरूर बता दिया, ठीक है। और ये जो पूछ रहे हैं ना, जो जंगल में बारिश होती है तो बहुत सारे मिट्टी का कटाव होता है, सुनो स्पाइडर भाई, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कनल वो स्पाइडर जाते हैं। मच्छी बकरी इसको खा लेती है और ये जाला बहुत मजबूत होता है। जब गांव की महिलाओं के पास कोई गहने नहीं होते ना, तो वो कान में झुमके इधर बाली और ऐसी करधान और पायल बना के, और इसकी जो डंडी है इसको ठन ठन बस्ती जैसे उससे डांस करती है। अरे कितनी बढ़िया नई बात बता ये चीज है। और जब घर में खाना ना हो तो इसका बेसन बनाया जाता है। अच्छा। और इसका बेसन यदि खा लो तो घर का बेसन ठीक है। फिर इसके बाद इसकी भजिया बहुत प्यारी बनती है। इसकी डंडी को घर में नहीं रखते, नहीं तो झगड़ा, इसको गांव में झगड़ा कहते हैं। इसको मैं क्लियर करूंगी कि सर ने सारी बातें बहुत अच्छी बताई, एक बार और रिपीट कीजिएगा कि मैं भी थोड़ा सीख जाऊंगी। जो अमलता ये अमलता, हाँ, पहले मैं एक सर ने जो बोले इसकी डंडी दिखाई है सर, ये बहुत आवाज करती है, इसमें आवाज अभी नहीं है। तो ये क्या सर ने क्या बताया कि ये झगड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है गांव की भाषा में? झगड़ा। और इसको घर में नहीं रखते, सर क्या बोल रहे हैं? इसको हम घर में नहीं रखते, यदि हम घर में रखते हैं तो घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? झगड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है,
नहीं ये चर्चा का विषय है गांव में, सामान्य चर्चा है, सामान्य है, ये भ्रांति है, हमें कई भ्रांतियों को तोड़ना भी है। हर साल मैं यही बताती हूँ कि भाई ये झगरे का जो ये पौधा है ना, ये पेट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, पेट दर्द में, कब्ज में, है ना, इसका इसके बीज का उपयोग किया जाता है, इसमें लिखा भी हुआ है, इसके बीज को घिसलो पत्थर में और शहद में लगा खा लो। लेकिन हमको ये सब नहीं कर रहता है, विटामिन सुना, हम गलत चीजों को ही याद रखते है ना। देखो इसके फूल से खाद उत्पाद जैसे मुरब्बा जेली क्या बनती है। बच्चों आगे नहीं जाओगे, सारे बच्चे एक जगह रहेंगे, चलो इधर आओ। अभी आपको यहाँ पे समझना है, फिर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे ये बताओ। महुआ इसकी छाल देखो धूसर वाली है कि नहीं, ब्राउन ब्राउन है ना, मिट्टी जैसे छाल वाली फैली हुई शाखाएं, इसकी शाखाएं देखो फैली हुई है कि नहीं, गोलाकार छत्र वाला ये बड़ा वृक्ष है, क्या है, इसके फूल का उपयोग सिरका और शराब बनाने के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, हाँ शराब पत्तियों का उपयोग दोना और पत्तल बनाने में किया जाता है, क्या कैसे, दोना और पत्तल बनाने में किया जाता है। तो ये हिरण प्रजाति का है, इसके जो एंटलर होते हैं, चीतल है हिरण, इसके जो एंटलर होते हैं क्या होते हैं, ठोस होते हैं, उसमें रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है और वो झड़ते रहती है, है ना, साल में वो झड़ते रहती है, हर साल वो झड़ती है और हर साल नहीं आ जाती है, उनके टूटने पे एंटलर, ये देखो इनके टूटने पर दर्द नहीं होता, और ये देखो ये सुंदर दिखाई देती है ना, इसके व्हाइट व्हाइट डॉट होते हैं, पहले पुराने जमाने के घरों में ये लगी रहती थी। और चीतल देखो, चीतल के हिरण है ना, का नवजात जो शिशु होता है ना 75 मिनट में 75 मिनट में खड़ा हो जाता है, और हमारा 6 महीने साल भर लगते हैं, बच्चे को खड़े होने 2.5 साल लग जाते हैं, है ना, ये रहता है वन्य प्राणियों में, प्रकृति से जुड़े हैं, इसलिए ना 2 दिन में चलने लगता है और 10 दिन में दौड़ने लगता है। चीतल एवं वन, इसमें एक बात हमें सीखना है, चीतल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके लिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में शामिल वन्य प्राणी है, ये क्या है, थर्ड नंबर की अनुसूची 3 का प्राणी है ना, प्राणी है ना, अनुसूची 3 का 1972 वन्य प्राणी वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको संरक्षित किया गया है, सुरक्षित, और इसको सुरक्षित थर्ड ग्री में दी कैटेगरी में दी गई, जैसे फर्स्ट में क्या है टाइगर लायन वगैरह है ना, है ना, सेकंड में टाइगर, हाँ याद रखना, इस टाइप से इसको थर्ड में रखा गया, जैसे सेकंड में और जैसे प्रधानमंत्री की रहती है, फोटोग्राफी ले सकते हैं इधर आ जाओ बीच में, ये क्या दिख रहा है, कुछ लिखा है क्या कि नहीं लिखा, है ना, दिख रहा है ना आपको क्या लिख रहा है, ये पेड़ बोल रहा है ना, इसके बदले में मुझे जिंदा रहने दो, देखो मैं आपको क्या है, ये पेड़ क्या बोल रहा है, मैं आपको छाया शुद्ध हवा फल फूल बीज लकड़ी पत्तियां तेल गोंद रबड़ रेजिन दवाइयां आदि दूंगा, साथ ही मृदा संरक्षण बाढ़ नियंत्रण भूजल संग्रहण वर्षा आकर्षण पक्षी एवं वन्य प्राणी आवास प्रदूषण नियंत्रण आदि में मदद करूंगा। ये पेड़ एक वृक्ष क्या बोल रहा है, मैं इतनी सारी चीजें आपको दूंगा, फल फूल बीज लकड़ी पत्तियां, है ना, वन्य प्राणियों को आवाज दूंगा, प्रदूषण को नियंत्रित करूंगा, इन सब के बदले में, इन सब के बदले में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि इन सब के बदले में मैं चाहता हूँ आप मुझे जिंदा रहने दें। क्या बोल रहा है एक पेड़, आप मुझे जिंदा रहने दे, आजीवन मैं आपको क्या सारी चीजें दूंगा, वो चाहिए आपको, अच्छा बच्चों ये बताओ ये पेड़ की इस जो आस पास जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए, ये पेड़ की उम्र कितनी होगी लगभग बता सकते हो आप, 70 से 100 वर्ष, 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष ठीक है,
50 से 100 वर्ष हम इस पेड़ की उम्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 50 से 100 वर्ष। तो एक पेड़ अपने जीवन में जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी हमें सिर्फ देता है और देते ही जाता है अंत तक। ठीक है, तो जब ये हमें एक पेड़ अपने जीवन में अभी मैंने बताई देते जाता है और ये हमें प्रत्यक्ष लाभ हमें 20% ही देता है, जो यहाँ पे लिखा है फल फूल बीज लकड़ी पत्तियां गोंद रबर रेजिन है ना जलाऊ लकड़ी मृदा संरक्षण ये सारी चीजें जो है ये 20% हमें प्रत्यक्ष लाभ देता है, जो हमें दिखाई देती है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है ना वो क्या देता है 80%। कितना देता है 80%। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए जीवन दायिनी ऑक्सीजन देता है, यदि ये पेड़ ना रहे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, इसलिए इस पेड़ का होना बहुत जरूरी है। और ये ऑक्सीजन बैठो वहां पे चुपचाप, और ऑक्सीजन के साथ हमें क्या देता है ये भूक्षरण को रोकता है, इसकी जो पत्तियां हैं वातावरण के डस्ट को अपने में अब्सॉर्ब करती हैं, रोक लेती हैं। आपके घरों के आसपास यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से अब शाम को यदि आप देखेंगे सुबह झाड़ू लगाएंगे तो पूरा डस्ट हो जाएगा। तो ये यदि आसपास पेड़ है तो आपका घर साफ सुथरा रहेगा, धूल को अपने में पत्तियों में ये ले लेता है। साथ ही जब वर्षा होती है तो सबसे ज्यादा जंगल में पेड़ पौधे अधिक रहते हैं तो वर्षा तेज होती है जंगलों में, और इसकी जो पत्तियां रहती हैं वर्षा के तेज बहाव को रोकती हैं। यदि तेज बारिश होगी तो पानी क्या सीधा जमीन में बातें नहीं करें प्लीज। तेज बारिश होगी तो पानी की तेज बूंदें सीधे जमीन में आएंगी और मिट्टी को बहा के ले जाएंगी। तो ये क्या करते हैं जो ज्यादा बड़े पेड़ रहते हैं वर्षा इनकी पत्तियां जो बड़ी रहती हैं छत्रदार रहती हैं तो वर्षा के जो तेज बूंदे रहती है वो पत्तियों पे पहले गिरती है फिर शाखाओं पे टहनियों पे गिरती है, टहनियों पे शाखाओं पे गिरते हुए पेड़ से नीचे की ओर आते हुए जमीन पे जाती है अंदर की ओर चली जाती है बारिश का पानी। और जो पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें नीचे तक उतनी ही बड़ी होंगी उतनी ही गहरी होंगी, और जितनी गहरी होंगी तो पानी जो वर्षा का पानी है उतना ही अंदर गहरा जाएगा, इससे हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, जमीन का वाटर लेवल बढ़ेगा। आपके जमीन में भरपूर पानी रहेगा तो आपको पीने के लिए साल भर पानी मिलेगा। क्या करता है, बात समझ में आ रही है? पहले भूक्षरण को रोकता है, पानी के वाटर के लेवल को बढ़ाता है, वर्षा के तेज बहाव को रोकता है, हमारे जमीन की जो मिट्टी है उसको समुद्र में जाने से रोकते हैं, ये जंगल के पेड़ पौधे रोकते हैं मिट्टी को कैसे अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे हजारों पेड़ हैं जो अपने अब जो भी छोटे बड़े पेड़ सभी पेड़ अपने आसपास की मिट्टी को अपने भीतर समेट के रखते हैं। ये पेड़ की मैडम उम्र कितनी होती है इसकी? किसकी? भाई अलग अलग पेड़ की अलग अलग काट है। ठीक है, तो ये क्या है इसका जो घर होता है ना इसके दरवाजे 2 से 4 दरवाजे ये रखती है सही। ठीक है ना, ये डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, हॉल होता है, और ये बाहर खतरा आने पे दूसरे दरवाजे से निकल के चली जाती है। इसके जो कांटे होते हैं खोखले होते हैं यही के क्या होते हैं कांटे एक बहुत अच्छी फोटो ले रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार्ट ही बैठ जाओ अपनी जगह बैठ जा गुड़िया बैठ जा देखो सही का घर जो आपने देखे ना डाइनिंग रूम होता है और 3 से 4 दरवाजे होते हैं, यदि उसको खतरा महसूस होता है तो वो दूसरे दरवाजे से निकल के चली जाती है, इसे बात नहीं करना। और इस खोखले होते हैं, इसके जो कांटे हैं खोखले होते हैं, खड़खड़ की आवाज आती है।
आप लोग इधर उधर बातें करोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, एक जगह किसी एक को बता ले दो, है ना? आप सही चलते रहता है और टाइगर अचानक उसके ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन जब वो झपट्टा मारता है तो सही अपने क्या जो है कांटे को सिकोड़ लेता है, तो वो जैसे ही झपट्टा मारता है तो टाइगर के पंजों में वो सही का जो ये है ना खड़खड़ाते हुए इसके जो सीख है कांटे है वो टाइगर को लग जाते हैं और ये जहरीले होते हैं, है ना? तो ये अपनी सुरक्षा में इसका यूज करती है। कई लोग बोलते हैं कि फेंके मारती, तो ऐसा नहीं है, यदि उसके ऊपर कोई झपट्टा मारेगा तब उसको कांटा लगेगा। ये चूहा परिवार का सबसे बड़ा वन्य जीव है, भारत में चूहा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। सही, संपूर्ण शरीर पर नुकीले गहरे काले सफेद कांटों का आवरण होता है। इसका इसकी शिकारी जानवरों से रक्षा करता है अपनी। यह अफवाह है कि सही द्वारा अपने कांटों को फेंक कर, बताई थी ना मैंने, यह अफवाह है। सही के कांटे अंदर से खोखले होते हैं एवं खड़े होने पर आपस में टकराते हैं तो खड़खड़ की आवाज आती है, जो पर भक्षियों को इससे दूर भगाते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। ये बिलों में रहवास करते हैं, 2 से 3 आकस्मिक द्वार होते हैं। सही मुख्यतः शाकाहारी होता है, क्या होता है? शाकाहारी, अनाज के दाने फल जड़े, मेन ये कंद खाता है, जो पेड़ की जो जड़े है ना, पेड़ की जो जड़े है वहाँ जो कंद रहती है जड़ों को खाता है, तो यह जंगल के लिए नुकसानदायक भी है क्योंकि ये पेड़ की जड़ों को खाता है, पेड़ सूख भी जाते हैं, खुदाई करता है जंगलों को, है ना? तो ये उसके कंद को खाता है, हड्डी आदि खाता है। और ये एक बात बहुत अच्छी है कि ये हड्डी को खाता है, तो जंगल में जो जीव है, जो वन्य प्राणी है, मृत है, उनकी जो पड़ी हुई हड्डी रहती है उसको खाकर जंगल की सफाई करता है ये, तो इसलिए हमारे ये उपयोगी है। सही, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना की अनुसूची में 4th स्थान में शामिल है। कौन से स्थान में? 4th स्थान में शामिल है, जिसका आखेट करने पर सजा है 3 वर्ष तक की कारावास और 25,000 का जुर्माना है। ये कौन सी अनुसूची में? 4th अनुसूची में, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, पेड़ है तो देश है, पेड़ है तो देश है, यही हमारा देश है, यही हमारा देश है, बरगद बरगद हमारे हमारे जीवन को 100% 100% शत प्रतिशत ऑक्सीजन का दाता है, जीवन देता है, जीवन देता है, बदले में वर्षा भी देता है, इसलिए इसे वट वृक्ष बरगद और हमारा ये राजकीय वृक्ष भी है। हम सबका नारा है, हम सबका नारा है, जंगल को बचाना है, जंगल को बचाना है। हेलो, लेकिन 80% ये हमें अप्रत्यक्ष लाभ देता है, हवा देता है, हमारी जमीन के वाटर लेवल को बढ़ाता है और मृदा के जो कटाव को है उसको रोकता है, भूक्षरण को रोकता है, क्योंकि जब जंगल में तेज बारिश होती है तो बारिश की जो मोटी मोटी बूंदे है तेज गिरती है, तो ये पत्तियाँ इन बूंदों को अपने ऊपर ले लेती है और पत्तियों से टहनी में और टहनी से कहाँ आती है? शाखाओं में, और शाखा से क्या आती है? पेड़ से होते हुए जड़ों में जाती है। जो पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होंगी, समझ में आ रहा है बात? गहरी होंगी जड़ें, तो क्या है, वाटर पानी जो है नीचे तक जाएगा, और ये जो जड़े हैं पेड़ों की जड़े हैं मिट्टी को मृदा को अपने में बांधे रखती हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्राण वायु देती हैं। हमने कोरोना के समय में देखा है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त हैं? और हमने देखा है कि दिल्ली में नर वायु जलाने से वातावरण दूषित हो जाता है, वहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगाया जाता है। हम भाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश में, और हमारे
इतने घने जंगल है कि हमें किसी एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। यहाँ के पेड़ पौधे हमें भरपूर ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जमीन का वाटर लेवल बहुत बढ़िया है, तो ये पेड़ हमें जीवन भर देता है, अनगिनत देता है। 20% बस हम उसको गिन सकते हैं, 80% अप्रत्यक्ष लाभ हमें देता है। और सिर्फ ये क्या चाहता है हमसे, सिर्फ एकमात्र चीज चाहता है कि जीवन भर और जीवन पर्यंत मैं आपको सारी चीजें दूंगा जो हमने गिने थे अभी, है ना। लेकिन सिर्फ मैं सिर्फ एक चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ कि सिर्फ आप मुझे जीने दो और सिर्फ जीने दो। तो क्या करना है हमें, वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वहाँ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जो मध्य प्रदेश शासन इको टूरिज्म बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य है, आप जो गांव के आसपास रहने वाले जो बच्चे हैं, जो वनों के आसपास रहते हैं, वनों से जुड़े, वनों के बारे में जाने। आपको जो 3 किलोमीटर के ट्रेल पे घुमाया गया है, वनों वन्य प्राणियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, आप इनको जाने महसूस करें और इनका संरक्षण संवर्धन। बच्चे आगे आ जाओ। और किस स्कूल से हाई सेकेंडरी कातल गोड़ी बोल सिल्लौर एरपा कैसे लग रहा है? पहली बार आए हैं, कुछ चीजें आज क्या नहीं पता चली, कुछ क्या पता चला है नया? पेड़ों के बारे में पता चला। पर आप भी बच्चों को कुछ बता दीजिए, काफी देर से मैं तो सीखने के लिए आया। बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना, बच्चे बढ़िया बढ़िया और आ रहा ये अनुभूति कार्यक्रम शासन कई वर्षों से कराता चला आ रहा है। हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग दिसंबर जनवरी में करवाते हैं। इस बार चूंकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है सप्ताह 1 तारीख से 7 तारीख तक, तो इसलिए ये एक अनुभूति कार्यक्रम हम इस बार 6 तारीख को रखे हुए हैं। हर साल हमारे यहाँ हर रेंज में 2 प्रोग्राम होते हैं, हमारे यहाँ 8 रेंज है तो 16 प्रोग्राम होना है कुल, जिसमें से ये आज एक प्रोग्राम हमारा हो गया। अभी 15 प्रोग्राम इस पे और बाकी हैं। अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा रखने का ये है कि जो देश का भविष्य है वो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के माध्यम से हम लोग जनमानस में ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, जागरूकता पहुँचाना चाहते हैं कि वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है। फॉरेस्टर भी बोलते हैं, वनपाल यादव, एक स्टार लगा हुआ, एक स्टार
ठीक है, उसके ऊपर ये आपको दो स्टार दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे डिप्टी रेंजर साहब है। कौन से साहब है? डिप्टी रेंजर। इनको उप वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल या डिप्टी रेंजर। उसके बाद ये तीन वाले दिख रहे हैं साहब, ये कौन से साहब है? इनको वन क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, यदि रेंज के चार्ज में होते हैं तो वन परिक्षेत्र अधिकारी बोलते हैं और रेंजर साहब बोलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर, इनके ऊपर दो साहब और मैं साहब खड़े है ना, हम लोग खड़े। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसके बारे में अनुभव किया है, हमने इन जंगलों में आकर देखा कि इन जंगलों में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि सागौन और लैंडिया और आदि इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और हमने दीमकों को भी देखा, दीमक जो होते हैं वो पेड़ों की मरी हुई छाल को खाते हैं, और दीमक चार प्रकार के होते हैं, राजा, रानी, सैनिक और श्रमिक, इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। और हमने चीता, तेंदुआ, बाघ आदि के बारे में भी जाना, और हमने यहाँ पर सर्पों के बारे में भी जाना, हमने कुछ सर्पों के बारे में भ्रांतियाँ भी जानी, जिनमें से सब लोग यहाँ पे कीट के बारे में कुछ सीखा, पक्षियों के बारे में और कुछ पेड़ पौधे आदि, और कुछ बाघ शेर के बारे में सीखा। जो सीखा वो बताओ बेटा, तो क्या प्रेरणा मिली, नई जानकारी क्या मिली थी? मुझे जानकारी मिली कि मुझे हमेशा पेड़ों को लगाना चाहिए अथवा पेड़ों से प्यार करना चाहिए अथवा कटाई को रोकना चाहिए, और पेड़ों की कटाई ना करें, पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमें हवा, फल, ऑक्सीजन देते हैं अथवा हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, और पेड़ नहीं होते तो हम लोग सांस ले पाते, नहीं जिंदा रह पाते। साक्षी मानते हुए, निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि उपयोग में कमी करने का भी वचन देता हूँ।